नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आज 14 फरवरी है, शायद ही ये तारीख कोई भूल सकता है। वैसे तो आज बसंत पंचमी भी है और दूसरी तरफ वैलेंटाइन डे भी लोग मना रहे हैं, लेकिन वो 40 परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को, तो किसी ने अपने पिता को खोया, आज उन परिवारों के लिए ब्लैक डे या यूं कह लें काला दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 14 फरवरी है और आज पुलवामा हमले की 5वीं बरसी है। याद होगा 14 फरवरी 2019 का वो दिन जब पुलवामा पर अटैक हुआ था, कश्मीर के पुलवामा में वो हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और साथ में उन्होंने कहा, अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, मैं पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में पूरा देश हिल गया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मैं पुलवामा के वीर शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद किया जाएगा। राष्ट्र सदैव हमारे बहादुरों का ऋणी रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हमले में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पुलवामा आतंकवादी हमले के वीर शहीदों को सलाम और विनम्र श्रद्धांजलि। भारत की रक्षा के लिए समर्पित उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। बता दें कि पुलवामा हमला जम्मू कश्मीर के सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसे कोई भी अब तक भुला नहीं पाया। भले ही आज 5वीं बरसी हो, लेकिन आज का दिन बेहद ही दुखनीय दिन है, जिससे बड़ी संख्या में भारत के जवान शहीद हुए थे। इस हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे, वहीं 35 जवान घायल भी हुए थे। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के लिए 200 किलो विस्फोटकों के लदे एक वाहन के जरिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। आतंकियों ने पुलवामा जिले के लेथपोरा से गुजरते समय सीआरपीएफ के वाहनों पर आत्मघाती हमला किया। आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोट से भरी कार घुसा दी थी, जिससे जोरदार धमाका हुआ और जवानों के वाहनों के परखच्चे उड़ गए। आज के दिन को कई लोग काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं, खास तौर पर उन वो परिवार जिन्होंने अपने बेटे को खोया, अपने पति को खोया, अपने पिता को खोया। पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने अपराधियों और आतंकवादियों को सहायता देने वालों को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकियों को और उनकी विचारधारा का समर्थन करने वालों को ललकारते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जानता हूं कि गहरा गुस्सा है, जो कुछ हुआ है उसे देखकर आपका खून खौलता है। इसके बाद भारत ने जवानों की शहादत के बदले 12 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर लिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को ही पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाते हुए एक हवाई हमला किया था। बता दें कि इस तरह के आतंकी हमलों को रोकने के लिए अब कई कदम उठाए गए हैं। इस तरह से दोबारा ऐसा कोई हमला ना हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा अब हो गई है। बता दें कि सुरक्षा बलों पर हमले के बाद सेना और अर्धसैनिक बलों को घाटी में काफिले को आगे बढ़ाते समय नए ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 44 को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। इस हमले से पहले यहां के हाईवे का बड़ा हिस्सा पहले सीसीटीवी कैमरे से कवर नहीं था, लेकिन अब यहां 2400 घंटे सीसीटीवी की
निगरानी रहती है। बता दें कि जब यह हमला हुआ था तब सीआरपीएफ के 2500 से भी ज्यादा जवान 78 वाहनों के द्वारा हाईवे पर जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पहाड़ी की चोटी पर 40 सीआरपीएफ जवानों की याद में शहीद स्मारक अब बनाया जा रहा है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।